एकदम विकास पुत्र हैं। आपको लग रहा सुदर्शन सिंह काम करेंगे? सुदर्शन सिंह एकदम जीतेंगे, एकदम पंखा छाप उनका आनान है। सिर्फ सुदर्शन सिंह को चाह रहा है। सुदर्शन सिंह युवा नेता है, बरियारपुर के एक एक जनता का अरमान है। एसी से हमको कोरोना नहीं पकड़ना है, हमको पंखा का जरूरत है। एसी को कोरोना जा रहा है, पंखा सुरक्षित चल रहा है। सुदर्शन सिंह निश्चित रूप से जीतेंगे, चूंकि हर वर्गों का समर्थन है, हर वर्गों के लिए काम किए हैं। इस बार लालटेन युग नहीं आएगा, जनता 15 साल में तीर से घायल हो गई है और अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। कौन है आपके लिए बढ़िया? सुदर्शन सिंह। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त मैं बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर बिहार में किस किस सरकार बनेगी यही जानने के लिए लाइव सीरीज की टीम पहुंची है। तो चलिए चेरिया बरियारपुर के जनता से जानते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनती है। मैं मंझौल का रहने वाला हूँ। मंझौल के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लग रहा है चेरियापुर विधानसभा में इस बार? लग तो रहा है कि सुदर्शन सिंह जीत जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वह 5 साल से वह कार्य करते आ रहे हैं, एकदम कोई मतलब उनके पास में अभी कोई वार्ड कमिश्नर तक भी नहीं थे, उसके बाद भी काम करते रहे हैं 5 साल तक युद्ध स्तर पर काम, इसलिए उनको जीतना है। जेडीयू और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं सब वो सब तो मतलब खत्म है। मंजू वर्मा सब दागी है। मंजू वर्मा दागी है? हाँ, एकदम दागी है। राजवंशी जी कुछ है ही नहीं है, काम कभी क्षेत्र में नहीं किया है, उसको कुछ है ही नहीं है। ये मतलब राखी देवी जो है लोजपा से, वो भी कुछ नहीं किया है, कभी उसका नाम भी नहीं सुने हैं, का टिकट ले करके आ गया है। इसलिए तो मतलब एकदम काम करने में है, एकदम विकास पुत्र हैं। आपको लग रहा सुदर्शन सिंह काम करेंगे? सुदर्शन सिंह एकदम जीतेंगे, एकदम पंखा छाप उनका आनान है। बच्चा बच्चा एकदम लगे हुए हैं सभी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना कुमार हुआ। कौन जीत रहा चेरिया बरियारपुर? सुदर्शन सिंह। सुदर्शन सिंह, इसलिए कि जुझारू नेता है, सब नेता जीत के जाते हैं, इस भर दिन फील्डे में दौड़ते हैं। घर का बेटा है, बरियारपुर का बेटा है, नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। और सब यहाँ पेंशन और दरमाहा कमाते हैं और फिर घर में जाकर बैठ जाते हैं, इसलिए यहाँ अक्कड़ टक्कर में कोई आने वाला नहीं है। सुदर्शन सिंह जिंदाबाद। मंजू वर्मा को फिर दिया जेडीयू ने? अरे वो सब तो दिया, जो दिया सो अपने पा रहा है, सब बात घर में बैठी हुई है और रात में जाकर वहाँ देखता है जो कोई हमको को वोट दे, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, एकदम कन्फर्म। यहाँ अक्का टक्कर में कोई आने वाला नहीं है, जो पूछिएगा बोलेगा जो सुदर्शन है हमारा टक्कर में, इसलिए बहुत आगे चले गए। नीतीश कुमार ने काम तो किया होगा ना क्षेत्र के लिए? वो सब साथ निश्चय में चिराग पासवान उसको जवाब दे रहा है। चिराग पासवान जवाब दे रहा है, वो अपने में अपने सब कुछ हो रहा है। काम नहीं किया? काम क्या हुआ, वो जवाब दे रहा है सदन में, उसको अपने जवाब दे रहा है उसको, इसलिए सुदर्शन सिंह जिंदाबाद। जी, बलभद्र से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पांसारा। क्या लग रहा है इस बार माहौल चेरिया बरियारपुर विधानसभा का? इस बार माहौल लग रहा है कि चूंकि सुदर्शन सिंह 5 साल से क्षेत्र में अपना सारा समय दिए हैं जनता की सेवा में, बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो किन माने कोई भी आदमी कभी क्षेत्र भ्रमण नहीं किए, जनता की समस्या के कभी बारे में कुछ सुनना वो पसंद नहीं किए, यही कारण है कि बहुत ही आगे चल रहे हैं। इनके सामने जेडीयू आरजेडी के प्रत्याशी है, आपको नहीं लग रहा कि परिपाटी के प्रत्याशी हैं? चूँकि जब से उनको सिंबल मिला है चेरिया बरियारपुर से, उसके बाद ही इस क्षेत्र में आए हैं, यह उनमें बहुत बड़ा कमी है। एक बार सांसद भी रह चुके हैं, जो उनका निधि था सबके बेच के चले गए यहाँ से, इसलिए इस बार तो हमको नहीं लगता है कि ये इनके सामने कोई आगे है। मंजू वर्मा, वो तो शेल्टर होम के बारे में सारे लोग जानते हैं, नीतीश कुमार की कोई मजबूरी थी कि उनको टिकट दिया, अगर नहीं टिकट देते तो उनको ये बलात्कार आरोपियों को टिकट दिया नीतीश कुमार ने। जी, बरियारपुर की जनता सिर्फ सुदर्शन सिंह को चाह रहा है। सुदर्शन सिंह युवा नेता हैं, बरियारपुर के एक एक जनता का अरमान है कि इस बार बरियारपुर के युवा विधायक सुदर्शन सिंह को बनाकर
और जो है से बरियारपुर का दुख दर्द को आवाज उठाने वाला विधानसभा में एक ही सुदर्शन सिंह है, उसके सिवा कोई नहीं है। नीतीश कुमार ने काम नहीं किया? नहीं, नीतीश कुमार कोई काम नहीं किया है, बिहार में विफल रहा है, सिर्फ बोलने का काम किया है, हर एक मंच पर वादा कहीं पूरा नहीं किया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पासारा के रहने वाले हैं। पासारा के, क्या लग रहा है माहौल इस बार आपके विधानसभा में? इस बार सबसे आगे सुदर्शन बाबू चल रहे हैं। क्यों? चूँकि आज 5 वर्षों से सुदर्शन बाबू ने बरियारपुर विधानसभा में हर क्षेत्र में हर गांव में जाकर के अपना काम किए। नीतीश कुमार का काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया है नीतीश कुमार, शिक्षा को तो चौपट कर दिए नीतीश कुमार जी। तो आपको लग रहा है कि सुदर्शन सिंह जीतेंगे तो शिक्षा में सुधार आएगी? एकदम आएगी, शिक्षा में पूरा सुधार आएगी, बिचौलियों से हम लोग मुक्ति हो जाएंगे, डर नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। आपके सामने मंजू वर्मा है, इनके सामने, अरे ये सब तो दागी मंत्री है, इसको क्या दिए? दागी है तो दागी ना है तब ऐसे? कैसे आप नहीं जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के कांड वाला में क्या किया ये नीतीश कुमार का मजबूरी है कि मंजू वर्मा को टिकट दिया है, या तो उनका अंदरूनी बात है। अगर आज नीतीश कुमार जी मंजू वर्मा को नहीं टिकट देते तो नीतीश कुमार जी को क्या हाल होता वो नीतीश कुमार जानते। ये सुरक्षित हम चल रहे हैं, जीतेंगे। कौन जीतेगा? पंखा छाप। पंखा छाप जी। क्यों? क्योंकि हमारा काम बढ़िया है, हमारा क्वालिटी बढ़िया है, हम बिना जीते काम करते हैं, जीतेंगे तो कैसे करेंगे? पंखा की जरूरत है लोगों को? एकदम अबिला में 2 मिनट लाइन करता है, बिना पंखा के कारोबार नहीं होता है। लोग तो अब एसी खोज रहे हैं। एसी से हमको कोरोना नहीं पकड़ना है, हमको पंखा का जरूरत है, एसी को कोरोना जा रहा है, पंखा सुरक्षित चल रहा है। जी। और तीर लालटेन? तीर लालटेन से कोई लेना देना है? तीर लालटेन सब 10 तारीख को पता दे देगा, क्या तीर है, क्या लालटेन है, क्या पंखा है, आप खुद देख लीजिएगा। सब पंखा में उड़ जाएगा। माहौल किसानों का जो समस्या है, मूलभूत समस्याओं को लेकर के सुदर्शन जी छोड़ करके कोई भी आंसू बहाने वाले किसान का नहीं है। सिर्फ सुदर्शन जी हैं जो हर समय इसके दुख दर्द में शामिल रहते हैं। अभी जो मेरा काबल झील की समस्या है, अभी जो किसानों का रब्बी बुआई सबसे विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, जब भी कुछ होगा तो काबर झील की समस्या को कोई भी उठाएगा तो वही उम्मीदवार उठाएगा जो काम करने वाला होगा। यह किसी प्रकार का इनमें दोष नहीं है, हर समय किसानों के लिए लड़ते रहते हैं, इसलिए सुदर्शन सिंह ही इस समस्या को उठाएंगे। बाकी जो आरजेडी और जेडीयू के प्रत्याशी, आरजेडी जो भी आए हैं, सिर्फ आए हैं जीत करके गद्दी पर बैठने के लिए। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, जीप पर उतरने के लिए दो तरह की बैसाखी की ज़रूरत होती है, तभी राजवंशी जी उतरते हैं। जब अपने जीप से उतरने के लिए उनको 2 बैसाखी की ज़रूरत है तो वह काम क्या कर पाएंगे क्षेत्र में? जेडीयू के प्रत्याशी तो विश्व विख्यात हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर कांड में उनका क्या कारनामा है वह जनता सब जान गई है। जागी लोगों को जनता नहीं चुनेगी? जागी लोगों को एकदम जनता नहीं सुनेगी। सुदर्शन सिंह जीत रहे हैं यहाँ से? सुदर्शन सिंह निश्चित रूप से जीतेंगे, चूँकि हर वर्गों का समर्थन है, हर वर्गों के लिए काम किए हैं, किसी जाति के लिए यह विभेदीकरण का काम नहीं किए हैं, सब वर्गों का इनका अपार जन समर्थन है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार अपने क्षेत्र के लिए? इस बार लालटेन युग नहीं आएगा, जनता 15 साल में तीर से घायल हो गई है, और अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। कौन है आपके लिए बढ़िया? सुदर्शन सिंह। क्यों? क्यों ये क्षेत्र का विकास करेंगे? मंजू वर्मा को आपने देख लिया, मुजफ्फरपुर कांड में उनका क्या योगदान रहा, और चंद्रशेखर वर्मा जी का क्या योगदान रहा, और नीतीश कुमार अपने बचने के लिए मंजू वर्मा को टिकट दे दिया, नहीं तो मंजू वर्मा अगर पर्दा उठाती तो कितने बड़े बड़े अधिकारी उसमें फंस जाते, इसलिए मंजू वर्मा को बचाने के लिए टिकट दिया मंजू वर्मा को। जी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री उसमें आला अफसर फंस जाते हैं। भूपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो शिक्षा में सुधार लाएंगे। हाँ, शिक्षा में सुधार होगा, किसानों का विकास होगा। इस बार की लड़ाई बदलाव की लड़ाई है। इस बार ना लालटेन युग रहेगा ना तीर का युग रहेगा, क्योंकि 15-15 साल सरकार दोनों को जनता देख चुकी है। एक अपहरण का उद्योग चलाते थे और एक शेल्टर होम चला रहे हैं, सबको मालूम है क्या कांड हो रहा है, ये जब सब जान रहा है। इस चीज से जनता उब चुकी है। आज पूरा जल जमाव, कोई प्रत्याशी है जो उसके बारे में आवाज उठा रही है?
कोई प्रत्याशी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, पूरा जल जमाव है। किसान रबी का फसल बोने के अथी में नहीं है, उसके लिए कोई प्रत्याशी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक सुदर्शन भाई है जो इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनको दबा दिया जाता है। हम चाहते हैं ऐसा प्रत्याशी हो जो मेरे क्षेत्र में जल जमाव से हमको समस्या दिलवाए। आज स्कूल का क्या स्थिति है, हम उसी स्कूल से पढ़ के नौकरी लिए, लेकिन आज के युवा ब्लैक में दारू बेच रहा है, घर घर दारू पहुंचा रहा है, ये कैसा समस्या आया। इस चीज से हमको मतलब इस चीज से बदलाव लाना है। तो आपने सुना, साफ तौर से चेरिया बरियारपुर के जनता 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ से आरएसपी के प्रत्याशी हैं सुदर्शन सिंह, उसके पक्ष में ज़्यादा बोल रहे हैं। हालांकि बिहार एनडीए से यहां पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं मंजू वर्मा, जो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी के वाइफ हैं। दूसरी तरफ बिहार महागठबंधन से राजद के प्रत्याशी हैं, और तीसरी तरफ लोजपा के भी यहां पर प्रत्याशी। तो चारों कोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर भी यहां पर अधिकतर लोग सुदर्शन सिंह, जो कि रालोसपा के प्रत्याशी, उनके समर्थन में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अनुपम के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़ चेरिया बरियारपुर।